अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NAC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTech, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौरिया 9534338689 7856914231 6206224713। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। जाम से फिर कड़ा रहा शहर, हर दिन शहर में घंटों जूझते रहे लोग, यातायात व्यवस्था ध्वस्त। भागलपुर यातायात की लचर पचर व्यवस्था, नो एंट्री आदेश का उल्लंघन, अतिक्रमण से शहर में जाम की स्थिति गंभीर हो गई है। पिछले कई दिनों से लोग जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर दिन दोपहर से शाम तक गाड़ियां कतारों में खड़ी रहती है। अनलॉक 1 के बाद कुछ दिनों तक शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रही, लेकिन हाल के दिनों में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जाम हटाने के प्रति पुलिस भी तत्पर नहीं दिख रही है, इसका खामियाजा शहर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। भागलपुर स्कूल में सिगरेट पी रहे थे गुरुजी, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर भेज दिया साहब के पास, प्रधानाध्यापक ने कर दिया निलंबित। सिगरेट का कस लगाना जिले के सन्होला प्रखंड स्थित मदारगंज मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक विनोद कुमार सिंह को महंगा पड़ गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी DEO संजय कुमार ने तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के तहत कार्रवाई करते हुए मंगलवार को प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया। निलंबन की अवधि में प्रधानाध्यापक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय कहलगांव में रहेंगे। गुड न्यूज, बिहार ने बेरोजगारों के लिए बनाया अपना रोजगार पोर्टल। जॉब की जानकारी अब युवाओं को मिलेगी। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए बिहार का अपना रोजगार पोर्टल बना है। श्रम संसाधन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय नियोजन पोर्टल तैयार कराया गया है। इस पोर्टल पर राज्य के साथ साथ देश और विदेश में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का भी समेकित ब्यौरा उपलब्ध होगा। विभाग इस पोर्टल से बड़ी कंपनी को भी जोड़ने की योजना पर काम कर रहे हैं। भागलपुर नयाचक में मेयर ने किया सड़क का शिलान्यास। भागलपुर मुजाहिदपुर के नयाचक मोहल्ले में मंगलवार को मेयर सीमा शाह व डिप्टी मेयर राकेश वर्मा ने सड़क और नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत 29.73 लाख की लागत से कार्य होगा। इससे नयाचक हनुमान मंदिर से रेलवे कॉलोनी की पानी टंकी के बीच सड़क व नाला का निर्माण कराया जाएगा। मेयर ने कहा कि जल जमाव की समस्या से लोग को निजात मिलेगी। सिल्क सिटी में बिजली आपूर्ति बदहाल, हर दिन गुल हो रही है बत्ती, लोग परेशान। भागलपुर में लाख प्रयास के बाद भी बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं हो पा रहा। हर दिन 3 से 4 घंटे तक किसी न किसी इलाके में बत्ती गुल रहती है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। बिजली अधिकारी नियमित आपूर्ति की बात पिछले कई महीने से कर रहे हैं। समय सीमा पूरा, नल जल का काम अब भी अधूरा, पानी के लिए यहां भटक रहे लोग। मधेपुरा, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल योजना का हाल अब भी बेहाल। यहां शुद्ध पेयजल के लिए लोग अब भी इंतजार कर रहे हैं। जिले के बिहारीगंज प्रखंड में पेयजल नहीं सिर्फ मिल रही है तारीख, पहले 15 जून तक सभी घरों में पेयजल पहुंचाने की घोषणा की गई थी, बाद में इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया। बढ़ाए समय में काम पूरा नहीं होने के कारण 30 जुलाई, 30 अगस्त और अब 20 अक्टूबर कर दिया गया है, लेकिन इस तिथि तक भी घरों तक पेयजल पहुंचाने में संशय है। कई जगहों पर पाइप बिछाने का काम धीमी गति से चल रहा है। गुप्तेश्वर पांडे की स्वैच्छिक सेनानिवृत्त के बाद बिहार के नए DGP बने KS सिंघल, जानिए इनके बारे में। बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने स्वैच्छिक सेनानिवृत्त ले ली है। अब वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में अपनी राजनीतिक पारी आरंभ करेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने होमगार्ड के DG संजीव कुमार सिंघल को DGP का अतिरिक्त भार दिया। गृह विभाग ने मंगलवार देर रात इसकी अधिसूचना जारी कर दी। सिंघल पंजाब के रहने वाले हैं। तेजस्वी के CM पे सर महागठबंधन में विवाद, RLSP बोली कुशवाहा को बनाओ RJD का इनकार।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी सियासी खबर है। विपक्षी महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पेंच फंस गया है। महागठबंधन के घटक दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल द्वारा सामने रखे गए मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव को खारिज करते हुए उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया। दूसरी ओर महागठबंधन के एक और घटक दल विकासशील इंसान पार्टी ने अपने अध्यक्ष मुकेश सहनी के लिए उप मुख्यमंत्री चेहरे के लिए दावा ठोका है। इस मामले में आरजेडी किसी समझौते के मूड में नहीं। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान समेत 8 फिल्मी हस्तियों के खिलाफ परिवाद दायर। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े मामले में दीपिका पादुकोण समेत 8 फिल्मी हस्तियों के खिलाफ मुजफ्फरपुर के एक कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के लिए परिवाद दाखिल किया गया। एनसीबी की जांच में इन लोगों के नाम सामने आने के बाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सीजेएम की अदालत में परिवाद दर्ज कराया। मामले में अगली सुनवाई की तारीख 29 सितंबर को तय की गई है। बिहार में मिले कोरोना के 1598 नए मरीज, राज्य में आंकड़ा पहुंचा 1,73,063। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1,598 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,73,063 हो गई है। बिहार में फिलहाल 15,133 कोरोना के एक्टिव मरीज मिले हैं।